गुड मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और कोरोना वायरस से बचे हुए होंगे। आप सोच रहे हो मैं शाम के समय या रात के समय रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और आपको गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। जी नहीं, इस समय बज रहे हैं सुबह के 9:30। ये देखिए, इस समय बज रहे हैं सुबह के 9:30, लेकिन मुंबई में बहुत बारिश शुरू हो चुकी है, इसलिए आपको अंधेरा दिख रहा है। ये देखिए, ऐसे नहीं दिखेगा, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बारिश है। आपने कितनी बारिश है, पूरा अंधेरा छाया हुआ है, इसीलिए लाइट जला के बैठना पड़ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा काम कर रही थी लिखने का। अच्छा, मुझे ना कई लोगों ने ये कहा कि तुम यार वीडियो बनाती हो, कम से कम थोड़ा मेकअप शेकअप करके बनाया करो। अब भाई, मैं सुबह को गुड मॉर्निंग कह रही हूँ तो जैसी लगूंगी वैसी आऊँगी। सुबह सुबह तो मैं मेकअप करके नहीं आ सकती ना। वैसे सुबह सुबह क्या, मैं वैसे मेकअप करती नहीं। मेरे लिए 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं सिर्फ, मैं कहीं भी जाऊँ वही लगाती हूँ। वो क्या, वो किसी और व्लॉग में बताऊँगी। बहरहाल, अब मैं तो कोई हीरोइन कोई हूँ नहीं, या कोई सीरियल की तो वो नहीं हूँ हीरोइन के आई लैशेज़, आई शेडो और पूरा मेकअप करके ऐसे स्माइल करते हुए उठूँगी फुल मेकअप में। नहीं, नॉर्मल इंसान ऐसे ही होते हैं। सो मैं ऐसे ही गुड मॉर्निंग करूँगी। सिंपल रहना, सोबर रहना अच्छा होता है। तो आज आपके साथ मैं क्या बात करूँ, आज आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कुछ हैक्स, कोलगेट को लेकर कुछ हैक्स। कोलगेट आप जानते ही हो, ये मेरे पास छोटी सी है, ये मैं बाहर मोस्ट ऑफ मैं ले जाती हूँ, वो मैं ले आई हूँ। तो कोलगेट तो दांत साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो आप जानते ही हो। दूसरी इस्तेमाल होती है जब कहीं आपका हाथ जल जाता है या कुछ हो जाता है ना, घी लग जाए या स्टीम से जल जाए, तो उस पर भी ये वाइट वाली कोलगेट, हाँ जो कलरफुल आती है, जेल आती है, वो नहीं, ये नॉर्मल वाली कोलगेट, इसको आप जले हुए पर लगा दोगे तो आपको फफोले नहीं पड़ेंगे। आई थिंक ये भी सब लोग जानते होंगे। एक हुआ दांत चमकाना, दूसरा हुआ आपके अगर हाथ वाथ जल जाता है तो वहाँ पे कोलगेट लगा दीजिए, फफोले नहीं पड़ेंगे। तीसरा, ये कोलगेट को नमक में मिक्स करिए। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने इसमें नमक लिया हुआ है, नमक और थोड़ा सा कोलगेट, इसको मिक्स करके अपने नाक पर लगा दीजिए, जहाँ पे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं ना। मैं मोस्टली पार्लर जाना कम ही पसंद करती हूँ, तो मैं होम रेमेडीज़ ज़्यादा यूज़ करती हूँ। हाँ, अगर आप मेरे से ब्यूटी के होम रेमेडीज़ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरी स्किन का राज क्या है। आपने जहाँ तक देखा होगा, मैं पार्लर बहुत ही कम जाती हूँ, करीब ये समझ लीजिए कि 1-2-2.5 महीने में एक बार जाती हूँ, क्योंकि मैं घर के रेमेडीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। सो ये कोलगेट को मैंने, अगर आपको दिख रहा है, कोलगेट को मैंने नमक में मिक्स कर दिया है, इसे आप अपनी नाक पर लगा दीजिए। जहाँ पर किसी को यहाँ पर ब्लैक हेड्स होते हैं, किसी को नाक पे और यहाँ साइड में होते हैं सिर्फ, तो जहाँ पर आपको ब्लैक हेड्स हो आप उसको लगा दीजिए और हल्के हाथ से मसलिए। ज़्यादा हाथ को वो मत रखिएगा, हार्ड मत रखिएगा, क्योंकि इससे मतलब स्किन में रैशेस पड़ने का चांस रहता है, तो हल्के हाथ से मसल लीजिए। और बस इसको 2 मिनट तक ऐसे मसाज करके फिर इसको वॉश कर दीजिए। बस आप इसको वॉश कर दीजिए, इसके बाद आप देखेंगे आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स सारे ख़त्म हो गए। ये हो गए 3। अब चौथा, इसी कोलगेट से आपके पास चांदी की पायल हो, बिछुआ हो या चांदी के कंगन हो, जो कुछ भी हो, आप इससे चांदी को भी चमका सकते हैं। चलिए दिखाती हूँ। जैसे मेरे पास ये लोटी है, ये देखिए आप, चांदी की काली पड़ चुकी है, तो इसे मैं आपको साफ करके दिखाती हूँ। मैं वीडियो को कहीं कट नहीं कर रही, कुछ एडिटिंग नहीं कर रही, ये मैं आपके सामने ही इसको मांझ के और इसको आपको एकदम से धो के दिखाऊंगी। इसको हाथ से करना है, हाथ से करिए। अगर आप उसको इसको स्क्रबर से करना है तो भी सही है, स्क्रबर से और जल्दी हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत लगती है पर चमकेगी भी। खैर उसको पूरा नहीं घिस रही, आपको ऐसे ही फटाफट दिखा रही हूँ, ये आप देख सकते हो। और चलिए इसको पानी से धो के दिखाती हूँ आपको। ये देख सकते हो आप, ये देखिए किस तरह से चमक गई। सो कोलगेट से आप ये भी कर सकते हो। इसके बाद घर की दीवारें जो रहती है ना, कहीं काले दाग पड़ जाते हैं, कहीं कुछ निशान पड़ जाते हैं, तो आप उससे भी कोलगेट से साफ कर सकते हो, लेकिन वॉशेबल दीवारों को। मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए। कहीं काले दाग दिखें तो मैं आपको दिखाऊँ। हाँ, यहाँ ये देखिए थोड़ी सी दीवार ऐसी है गंदी, मैं आपको इसको साफ करके दिखाती हूँ। देखिए क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे नहीं है ना, तो इतनी जल्दी दीवारें गंदी नहीं होती। ऐसे करके फिर बस आप इसको गीले कपड़े से पोंछ दीजिए। ये देखिए, ये आपको खुद ही फर्क दिखेगा इसमें साफ। ये देखिए, ये आपको फर्क इसमें साफ दिखाई दे रहा होगा। देखा आपने, यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है। खैर आप करके देखिए, आपको पता चलेगा। बस इसको कोलगेट लगा के और गीले कपड़े से पोंछ दीजिए। तो ये हो गए आज मेरे कोलगेट के कुछ टिप्स। कोलगेट लगाइए, अपने साथ साथ घर और बर्तन भी चमकाइए। सो ये रहे कोलगेट के कुछ हैक्स। और अगर आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया है और ऐसे ही कुछ होम हैक्स आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए या मैसेज कीजिए आप किसके बारे में जानना चाहते हैं, मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। Till then, bye bye. Take good care of yourself. Bye.